देखिए, तमाम विवादों के बीच द कश्मीर फाइल्स 200 करोड़ के आंकड़े को छूने की तरफ बढ़ रही है। वहीं फिल्म को समर्थन मिला है अभिनेता आमिर खान का भी। आमिर ने कहा, कश्मीरी पंडितों के दर्द को देश को जानना चाहिए। विवादों के साथ द कश्मीर फाइल्स कामयाब की नई कहानी लिखती जा रही। अब फिल्म को साथ मिला है अभिनेता आमिर खान का। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले आमिर कि कश्मीरी पंडितों का हाल देखकर दिल दुखता है। अब तक द कश्मीर फाइल्स भारत में 141 करोड़ का कारोबार कर चुकी है। पहले हफ्ते में फिल्म 630 थिएटर में लगी थी, लेकिन अब करीब 4000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी डब की जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक फिल्म 200 करोड़ बहुत जल्द छू सकती है, लेकिन फिल्म पर खड़ा हुआ विवाद कम नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी फिल्म जो तथ्यों से परे हो या अधूरे तथ्य दिखाए जा रहे हैं, और ऐसी फिल्म को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग उसकी जो है उसको की कैंपेन कर रहे हों, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी सरकारों से फिल्म को भरपूर समर्थन मिल रहा है। कल ही लखनऊ में फिल्म की टीम ने योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम के साथ फोटो साझा करते हुए सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता व आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निसंदेह ये चलचित्र समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारोत्तेजक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। द कश्मीर फाइल्स को पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेता सराह चुके हैं। 8 बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म टैक्स फ्री की जा चुकी है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी ये फिल्म बिना बड़े सितारों, बिना गाने, बिना बड़े बजट के फिल्म लगातार आगे बढ़ रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।